प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वर्णिम भारत का आधार सशक्त महिला विषय पर परिचर्चा की गई। इस समारोह का शुभारंभ आदरणीय राजयोगिनी संदीरा बहन, राजयोगिनी लक्ष्मी बहन, मुख्य मेहमान हंसराज महिला विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर अजय सरीन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रीमा जम्मू, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीनू शर्मा, पार्षद जसपाल कौर भाटिया, पार्षद उमा बेरी, पार्षद सुनीता रिंकू, डॉक्टर रुचि भार्गव, डॉक्टर सुरेखा सच्चर, डॉक्टर रेणु महाजन, समाज सेविका संगीता सैनी, डॉक्टर ममता, प्रिंसिपल अमिता खन्ना और मुख्य अध्यापिका सुखजीत कौर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर आए हुए सभी मुख्य मेहमानों ने महिला सशक्तिकरण पर अपने अपने विचार भी पेश किए। इससे पहले सभी भाई बहनों ने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशंसिका अव्यक्त आदरणीय दीदी गुलजार जी को उनके स्मृति दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और बीके डॉक्टर ममता ने इस संस्था की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर सेंटर की बहनों द्वारा महिला सशक्तिकरण पर एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान राधिका बहन और नेहा बहन ने मंच संचालन बहुत ही सुचारू रूप से किया। अंत में आए हुए सभी मेहमानों को सेंटर की संचालिका संदीरा दीदी ने ईश्वरीय सौगात दी और ब्रह्म भोज करवाया। तो वहीं इस अवसर पर विजय बहन, शिखा बहन, सुशीला बहन, सुलेखा बहन, सिमरन बहन, सुनीता, कमलेश, सोनिया, कांता, रेणु, संगीता, अनीता, कृष्णा, डॉक्टर बसन, सुरेंद्र भाई, मिकलानी भाई, सुभाष भाई, राजकुमार राजू, सागर, सतीश, विशाल सहित आश्रम के सैकड़ों भाई बहन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। हमारी संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है कि जिसमें परिवार का क्या रोल होना चाहिए, परिवार का क्या महत्व है, चाहे वो माँ है, चाहे वो पिता है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, हमारी संस्कृति तो इनके रोल को भली भांति जानती है, इसको भली भांति डिफाइन करती है। पर फिर भी क्योंकि ये समय का चक्र ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ पॉलिसीज बन जाती हैं कि यस, औरतों को बराबर वेजेस देने के लिए, औरतों को समान कार्य रूप देने के लिए कि इतना कार्य वो मेल काउंटर पार्ट्स के समान करेंगी तो उनको समान वेजेस दिए जाएं, उनको वोट का अधिकार दिया जाए, उनको समान अधिकार दिए जाएं, तो उस लड़ी में, उस दिशा में अगर ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है तो ठीक है, ये सरकार की पॉलिसीज हैं, ये पूरे के पूरे ग्लोब की, शायद भारत को इसकी ज़रूरत नहीं होगी लेकिन हो सकता है कि दूसरे कई देशों में इसकी ज़रूरत रहती हो। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 407 आदर्श नगर महिला सशक्तिकरण दिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें नारी जाति के उत्थान के लिए विशेष कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ दिव्य गुणों की बातें शेयर की गई कि जैसे आज नारी समाज में वैसे तो देखा जाए तो हर कार्य में आगे बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी किसी किसी जगह में नारी की कुछ ऐसी बातें देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं कि जहां हम नारी को कमज़ोर समझने लग पड़ते हैं, जबकि नारी अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहे, नारी अगर ऊंचाइयों को एक साइड से छू रही है दूसरी साइड से कुछ नारी में कमज़ोरी के कारण गिरावट में भी आ रही है, तो नारी अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहती है, महान बनाना चाहती है, अपना एक शिव शक्ति रूप धारण करना चाहती है, उसके लिए नारी को आध्यात्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक शक्ति की ज़रूरत है।